ये SB 2/2 कोट है, इसकी लेंथ है 28.5, सीना 37, पेट 33, हिप 37 है, शोल्डर 17, बाजू है इसकी 23.5, डोला रेडी इसमें लिखा है 13.5, लेकिन इसका डोला कम से कम 15 आना चाहिए, हम इसका डोला 15 ही करेंगे। चलिए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। फैब्रिक है हमारा 170। चलिए एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं एल पट्टी से। दो इंच का निशान लगा हुआ है हमारा। साढ़े 28 इसकी लेंथ है, तो 28.5 को यहाँ पे रखेंगे और ये एक मार्का कर लेंगे और 1.5 इंची नीचे 1.5 इंच की इसके शोल्डर डाउन करेंगे। 37 सीना है इसका, 37 को चौथाई भाग करेंगे 9.25 एक्स्ट्रा 1.5 इंची ऊपर उठाएंगे इसका। लेंथ इसकी 28.5 है, 28.5 का 28.5 के दो भाग करेंगे 14.25 और 2.5 इंची प्लस। ये हमारा आएगा पेट का निशान, तो ये सारे निशान हम बराबर कर लेंगे। ये 2 इंची बैक का शेप के लिए मार्क लगाएंगे, 1.5 इंची यहाँ से और 1 इंची हाले पे से स्ट्रेट लाइन से शेप पट्टी से शेप। सैंतीस का 12 में हिस्से से कितना आएगा हमारा, 37 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 36, 3 इंच 1 सूत आएगा। पौन इंच ऊपर तीन सूत नीचे। शोल्डर 17 है, 17 का हाफ करेंगे 8.5 और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन। ये जो निशान लगाया हमने यहाँ से और जितना ये बैक की लकीर है 10 इंच एक सूत, 10 इंच एक सूत यहाँ रखेंगे और 1 इंची माइनस कर देंगे और 1/2 इंची हमारा मार्जिन के लिए। 3 सूत हमारे क्रॉस बैक के मार्जिन में, 3 सूत नीचे चेस्ट के मार्जिन में जाएगा। 33 इसका पेट है, हम पेट जो काटते हैं वो छठे भाग से काटते हैं, तो 33 का छठा भाग आएगा इसका 5 इंची 1 सूत और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन। अब इसका क्या है, पेट में और हिप में 4 इंच का फर्क है, तो इसकी हम हिप 1 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। कितनी, अगर इसके 3 इंच एक्स्ट्रा होती तो हम 1/2 इंच रखते और 2 इंच होती तो 1/2 इंच रखते। अब इसकी है 4 इंच एक्स्ट्रा हिप, तो हम रखेंगे 1 इंच फालतू। ये कितना आ गया टोटल में, 8 इंच 1 सूट हम रखेंगे
नौ इंच एक सूट। अब ये शेप पट्टी से शेप दे देंगे। इसमें है साइड चाक, तो हम साइड चाक इसके रखेंगे 28.5 लंबाई, तो 7 इंच का, 1 इंच मार्जिन, 1.5 इंच का ये हमारा मार्जिन हो गया साइड से साइड चाक का। स्टेट कर लूँ एक चीज का ध्यान रखना, यह ये मारी के इससे कम से कम 3 इंच होना चाहिए, प्लस हो जाए लेकिन कम ना हो 3 इंच से। साढ़े 28 इंच से 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ये हमारा मार्जिन के लिए। यहाँ से हम ये कन्नी से 1 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। सैंतीस सीना है इसका, 37 सीने को 8 में से 8 से डिवाइड करेंगे, तो 37 सीने का 8 से डिवाइड करने पर आएगा 4.5 इंच। तीन इंच एक सूत नीचे गिरा लेंगे, ये इतना गिराना नॉर्मल साइज तक जितना हमने बैग में हाला रखा था। ये 1.5 इंच हमारा नपेल का निशान और ये हाफ का, दोनों का ये है, ठीक है। अब इसका 28.5 लंबाई है, 28.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 दुनिया 18, 9 × 3 = 27, बचा 1.5 इंच, तो 27.5 इंच को 3 से भाग में डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ इंच आएगा, 9.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच नीचे एक मार के 4.25 इंच की इसकी पॉकेट, 4.25 इंच की इसका कांच का निशान, पौन इंच ऊपर नपेल का निशान, 2.25 इंच की राउंड दे देंगे इसके। ये एल पट्टी से रखी, ये जो मार्क लगाया था हमने नपेल का, और एक ये, इन दोनों को मिला लेंगे। ये मार्क जो लगाया, ये मार्क जैसे ये जितना ये स्टेट है इतना ये हमें सेम करना होगा, 1 इंच
नहीं, ठीक है। आप 2 इंच, 2 इंच नीचे गिरा देंगे इसको, ये दोनों मिला देंगे। अब इसकी नपेल रखेंगे हम, 2.25 इंच तैयार आनी चाहिए, 2.25 इंच और 3 सूत का मार्जिन, 3 सूत का मार्जिन। शेप पट्टी से शेप दे देंगे, सब इंच की ठोका। एक कंधे का मालिक हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक इंच टाइप रख के 6.5 इंच आ रहा है ये, यहाँ से लगा सकते हैं ऐसे 3 सूत कम करके, और एक हम कंधे का निशान ऐसे नहीं लगा सकते हैं, 3 सूत कम करके। दो इंच इसका शोल्डर डाउन कर देंगे, पूरे 2 इंच तकती कम, 9 इंच आ रही है हमारी, ठीक है 9 इंच यहाँ से रखेंगे। पौने 2 इंची का हम आगे रख लेंगे, 2 इंची पीछे पॉकेट का निशान लगाएंगे इसमें, 3.5 इंची 1 सूत इसका हाफ कर लेंगे, 5.5 इंच ये इस माइक से देखना होता है इसे कितना, 5.5 इंच, 5.5 इंच यहाँ रखेंगे और 1 इंची पीछे इसका पॉकेट का निशान। ये बटन वाला माइक जो है इस माइक से हम स्ट्रेट कर लेंगे, इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे, 2.5 इंची नीचे डट का निशान। ये जो हमारी की ये हमारा वॉलेट का है, तीन सूत नीचे, ये हमारी होगी वॉलेट की क्रोशिंग 1.25 इंच की, और सूत कम 1 इंच की हमारी वॉलेट आनी चाहिए। ये हम जितना हमने बैग के हाले में लगाया था निशान, 3 इंच 1 सूत, 3 इंच 1 सूत हम ये लगा लेंगे, ठीक है। ये इस मारिक से, और ये जो मारिक है हमारा स्ट्रेट वाला, इस मारिक से 11.5 यहाँ पर रख के 1.25 इंच कम कर देंगे, 40-42 तक आप ऐसे कर सकते हैं, अगर उससे बड़ा साइज हो तो उसका अलग तरीके से रखा जाता है, 11.5 1.25 इंच कम। इसका गुला निकालेंगे हम सिर्फ 1/2 इंच का, इसी पट्टी से ये निशान जो है और एक ये निशान, इन दोनों को मिला देंगे, ये हम 5 इंच उतार लेंगे, फिर शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये है तो आप इससे भी निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लगाऊंगा इससे निशान, ठीक है। क्या कंधे में थोड़ी शेप आ जाएगी, कंधे ठीक रहती है।
ये जो निशान है हमारा बीच का, इस निशान पर रखेंगे यहाँ से, और ये यहाँ से इतना गुल्ला निकल गया ये हमारा। अब इसकी जो हिप है 37 फीट से ज़्यादा है, तो हम यहाँ से ज़्यादा नहीं निकालेंगे इसको, बिल्कुल बराबर कर देंगे इसको। अगर इसकी 1 इंच का फर्क होता तो हम यहाँ से 2 सूत आधा इंच कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। डेढ़ इंच का मार्जिन रख दूंगा मैं, जैसे मैं पहले रखता हूँ। ये हमारा हर जगह मार्जिन है, ये 1.5 इंच का जो मार्जिन रखता हूँ मैं हर जगह, जैसे कि 3 सूत इधर आएगा, 3 सूत यहाँ पर आएगा, 3 सूत यहाँ पर, ठीक है, 3 सूत यहाँ पर, तो कितना हो गया 3 3 सूत 1/2 इंच और 3 3 सूत 1/2 इंच, तो कितना हो गया 1.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन रख देता हूँ मैं इसलिए पहले, बाकी बैक का मार्जिन छोड़ के हम नपत कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा जितना मार्जिन में जाएगा कितना आ जाए, सूत कम 7.5, सूत कम 7.5 को इस मारिक पर रखेंगे, सूत कम 16.5, सूत कम 16.5, सीना कितना है 37, 18 दूनी 36, हाफ इंच 37, 5 इंच लूजिंग। ये हमारा मीडियम फिट है तो इसमें हम 5 इंच दे दें, अगर ज़्यादा फिटिंग में आता है तो 4.5 इंच, और अगर लूज फिट पहनने वाला होता है तो 5.5 इंच। ये हमने रख लिया, सूत कम 6 1/14, इसका 33 पेट है तो 16 दूनी 32, हाफ इंच 33, और इसमें 1/2, 3.5 इंच की लूजिंग आ जाएगी इसमें हमारी। ये रखेंगे इसको 6.5 इंच, 6.5 इंच यहाँ रखेंगे, कितना आ गया 14.5, 14.5 इंच, 18 दूनी 36, 37, और 2 इंच। हाफ इंच जितना ये हमने यहाँ पे निकाला था हाफ इंच, इतना हम इसको नीचे गिरा देंगे। ये हम शेप दे देंगे ऐसे उल्टी। हमारे बैक के और सामने के साइड फेस के हमारी कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम कटिंग करते हैं।
अब हम कट करेंगे बाजू। ये हमने फैब्रिक बिछा लिया है, इसका फैब्रिक को अच्छे से बिछा लें। बाजू की लेंथ है 23.5, 1.5 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे इसमें। इसके मार्जिन के लिए 3 इंच मार्जिन रख देंगे। इसका आर्मोर लगाया था हमने 10.5, तो 3.5 इंच कम करके हम मार्कर कर देंगे। कन्नी की साइड से स्ट्रेट लाइन डोला इसमें लिखा हुआ है 13.5 रेडी आने चाहिए, लेकिन हम इसका डोला 15 करेंगे, 13.5 में फंस जाएगा डोला। तो ये कितना है, हम 37.5 का चौथाई भाग करेंगे 9.25 और 1/2 इंच मार्जिन 7 इंच, 3 इंच ताल का निशान यहाँ से यहाँ तक हाफ कर लेंगे 3.5 इंच। ये हम सेंटर का निशान लगा लेंगे बाजू के 8.5 इंच है, ये हाफ करेंगे। साढ़े पाँच ही इधर लगाना, 10.5 1 इंच माइनस करके ये बाजू की शेप के लिए मार्जिन लगाते, 1 इंच कम इसलिए करते हैं। अगर इस शेप पट्टी से निशान लगा देते हैं ना, तो शेप ना कभी भागता नहीं है, एक से रहेगा हमेशा शेप। फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा शेप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसके तरीके से नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आपको शेप डालना पड़ेगा। फिर तो इसकी मोरी हम कर देंगे 10.5 इंच, 5.25, 2 सूत पीछे करके ये हमारा आ गया 2 इंच, ये हमारा ताल का निशान है। ये हम 2 इंच छोटा साइज है, ना छोटा है ना बड़ा, मीडियम साइज है। सैंतीस को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच 36, 6 इंच 1 सूत और 3 सूत की शेप। ये हम 1/2 इंच की क्रॉसिंग कर लेंगे ऊपर, यहां से ये मिला देंगे
हल्की क्रोशिंग इधर। चलिए देखते हैं इसका डोला कितना है। तो इसका डोला आ गया है 14.25। चलिए हम कटिंग करते हैं। ताल काटने का आसान तरीका। आज आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा। ये जो मैंने कट किया है, ये जो निशान है, इस निशान को ये कट पर रख लो, इधर ये रख लिया। अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ छापना। मैं कह रहा हूँ कोई निशानियाँ लगाना और ये, और फिर ये बराबर से कट कर दे। देखा कितना शानदार हमारा ताल आया इसका। चलिए अब हम कट करते हैं ताल को।